गोंडा विकास भवन में खिलौना बैंक की स्थापना की गई है। खिलौना बैंक का उद्घाटन आकांक्षा समिति के अध्यक्ष शाम्भवी सिंह ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ उज्जवल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र कुमार गौतम सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर आदि मौजूद रहे। शाम्भवी सिंह ने बताया कि यह खिलौना बैंक सभी के सहयोग से संचालित किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा और कर्मचारियों द्वारा खिलौना बैंक में बड़ी संख्या में खिलौने जमा किए गए हैं। खिलौना बैंक में ऐसे खिलौने उपलब्ध कराए जाएंगे जो बच्चों के लिए शिक्षाप्रद हों। जिलाधिकारी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य जनपद के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्लेइंग के साथ लर्निंग की सुविधा देना है, जिससे बच्चों का मानसिक के साथ शारीरिक विकास भी हो सके। विकास भवन में आज आकांक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय के द्वारा खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि जितने भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पर प्लेइंग के साथ साथ लर्निंग भी हो। लर्निंग वाइल प्लेइंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि बच्चों को खिलौने दिए जाएंगे आंगनवाड़ी केंद्रों में और केंद्र में ही ये खिलौने रहेंगे, वहां पे लोग खेलेंगे भी और उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो। इसके लिए हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से एक आज खिलौना बैंक, जिसकी हमने पहले घोषणा की थी, आज उसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पे आके विकास भवन में इसका बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। यहाँ पे हम इस खिलौने बैंक के जरिए जो है बच्चों तक जो है जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां तक जो है बच्चों को खिलौने पहुंचे, उससे उनकी जो है शिक्षा भी शिक्षाप्रद हो और इसके जरिए जो है जगह जगह जो है जो केंद्र है वहां पे सभी बच्चे लाभान्वित हो। हाँ, कुछ एजुकेशनल टॉयज भी हम इसमें इंक्लूड कराएंगे कि बच्चे जो है खेल के माध्यम से जो है डिफरेंट जो है सीख सके, एजुकेशनल हो।